बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल फार्मूला एंड इट्स टाइप्स। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। अलामती इजहार मुख्तलिफ एलिमेंट्स का एक कंपाउंड को में उसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला, या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिंबल्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड उसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। जिस तरह एक एलिमेंट को उसके सिंबल से जाहिर किया जाता है, इसी तरह एक कंपाउंड को उसके केमिकल फार्मूला से जाहिर किया जाता है। यही केमिकल फार्मूला इट टेल अस अबाउट different element present in a compound। कौन से elements compound में मौजूद है? Combining ratio दूसरा हमारे साथ है, combining ratio of element in a compound। ये किस निस्बत से मिलते हैं तो ये भी हमें जो है ये बताता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें H2O पानी, तो ये हमें बताता है कि इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 एटम है। अगर हम बायमास इसका रेशो देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये 1:8 के साथ ये कंबाइन होता है। अभी हमारे साथ केमिकल फार्मूला के दो टाइप्स है, एक हमारे साथ है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा हमारे साथ है मॉलिक्यूलर फार्मूला। नाउ The first one is empirical formula। Empirical formula को simple formula भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है simple formula। The formula which show simplest ratio between elements in a compound is called empirical formula। ये वो formula है जो हमें सादातरीन ratio दिखाता है। It show only atom, not its number। ये हमें number के बारे में नहीं बताता, लेकिन हमें ये बताता है कि इसमें ये element या ये atom मौजूद है। मिसाल के तौर पर for example अगर हम ले लें हमारे साथ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, अगर हम ले लें तो ये हमारे साथ है CH। ये हमें बताता है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन का बना है, लेकिन ये हमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम का एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। दूसरा हमारे साथ है, अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये हमारे साथ है HO। इसी तरह अगर हम ले लें एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का, हम ले लें विच इज CH2O, तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिंपल रेशो निस्बत बताता है बट नॉट शो एट एग्जैक्ट नंबर। दूसरा हमारे साथ है मॉलिक्यूलर फार्मूला। The second one is molecular formula। The formula which show the actual या exact number of atom of elements present in a compound is called molecular formula। The formula which shows
एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इसका उसका हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मिसाल के तौर पर हम ले लें परस करें मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन जो हमारे साथ बराबर है सी सेक्स एच सेक्स का। इट टेल्स अस कि इसमें सेक्स कार्बन है और सेक्स हमारे साथ हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन एटम की रेशो सेक्स हमारे साथ है विच इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन बेंजीन। हमारे साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है मॉलिक्यूलर फार्मूला हम फाइंड आउट करते हैं किस चीज से एन मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। नाउ एन हमारे साथ क्या है वेयर एन अगर हम ले लें एन हमारे साथ है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अभी हम मालूम करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मुख्तलिफ कंपाउंड्स की तो हमारे साथ परस करें मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हम पहला लेते हैं बेंजीन बेंजीन तो हमारे साथ सेक्स मल्टीप्लाइड बाय सी एच तो इससे आता है सी सेक्स एच सेक्स। सिमिलरली मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय एच ओ क्या आता है इससे H2O2 which show the exact number of atom। इसी तरह हमारे साथ है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज which is sex multiplied by इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CH2O तो इससे बनता है इसका एग्जैक्ट रेशो हमारे साथ C6H12O6। So, the main difference between molecular formula and empirical formula is empirical formula, जिसको simple formula भी कहते हैं, show the simple ratio between elements in a compound. और molecular formula, the formula which show exact number of atoms of elements present in a compound, is called molecular formula.